साथियों, आपको याद होगा कुछ समय पूर्व हमने हमारे YouTube चैनल पर एक बात कही थी, और वो बात कही थी कि बहुत ही जल्द वो समय आएगा जहां व्यक्तियों के साथ धोखा होगा, और वह भी घर की बुनियादी जरूरत को लेकर। रोटी, कपड़ा और मकान एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान मिले, इसके लिए सरकार हर तरीके से प्रयत्नशील है, और इन्हीं प्रयत्नों के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के नाम शामिल है। मामूली डाउन पेमेंट, छोटी छोटी किस्तें, 2,67,000 तक की सब्सिडी, पंजीयन में छूट, जीएसटी में छूट, और अपने शहर के अंदर पाइए अपना खुद का घर। उन लोकप्रिय विज्ञापनों को देखकर कई लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा बनाई गई योजनाओं में निवेश किया, और यह सोचा कि हमारे घर का सपना साकार हो जाएगा, एक छोटा सा घर हमारा भी शहर में हो जाएगा। और इन्हीं चीजों का लाभ उठाते हुए हजारों लोगों ने आवेदन किए, हजारों लोगों ने डाउन पेमेंट भरा, बैंक लोन कराए, बैंक लोन की राशि बिल्डर को प्राप्त हो गई। लेकिन ये क्या हो रहा है, किसी भी अपार्टमेंट, किसी भी बिल्डिंग को बनने में एक वक्त लगता है और पजेशन का टाइम दिया जाता है, लेकिन उससे पहले ही फ्रॉड होने लगे, बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, और आम व्यक्ति के घर का सपना टूटता हुआ नजर आया। उदयपुर के अंदर भी मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीमों के नाम पर हजारों लोगों ने पैसा जमा कराया है, और उनका जो संचालन कर रहे हैं वो प्राइवेट बिल्डर कर रहे हैं, और उस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं है, संबंधित यूआईटी विभाग की कोई नजर नहीं है। नतीजा ये होने वाला है कि कई ऐसी आवासीय योजनाएं बंद होने जाने वाली है, कई ऐसी आवासीय योजनाएं बंद हो जाएगी और वो मूर्त रूप नहीं ले पाएगी, और नतीजा कौन भुगतेगा? नतीजा भुगतेगा एक आम आदमी, एक आम आदमी। 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख के अंदर मकान देने का वादा करने वाले बिल्डर जब 300, 400, 500 और हजार लोगों से जब करोड़ों की राशि लेकर फरार हो जाएंगे, वो अपने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ देंगे, तो लोगों का सपना पूरा कैसा होगा? इसी मुद्दे पर हमारे द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने बहुत जल्द पेश की जाएगी। यदि आप उदयपुर के हैं, यदि आप किसी और शहर के भी हैं, और वहां पर भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के नाम पे प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा यदि कोई प्लानिंग की जा रही है, तो आपको सावधान रहना है। और क्या उदयपुर में घटना घटी, किन बिल्डर पर ये आरोप है कि वो अपना काम बंद कर चुके हैं, या फिर वो मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे, या जिनका भविष्य में जो बिल्डिंग है वो पूरी ही नहीं हो पाएगी और जनता की राशि डूब जाएगी, इस संदर्भ में हम हमारी विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे बहुत जल्द। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।